अगर आप अमानतुल्लाह खां की वोटिंग परसेंटेज चेक करेंगी तो उनको वो वोट ज़्यादा मिला है जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से ऊपर है, तो उनको सारी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। हम सेकुलर हैं और सेकुलर पार्टी को वोट देना हम जानते हैं। हमारा तो ये कहना है कि ये किसी भी पार्टी को हमारे इस प्रोटेस्ट को इलेक्शन में लेना गलत था। आम आदमी पार्टी ने वाकई में बहुत काम किया है, तो ये काम के बेसिस में वोट दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर की टीम एक बार फिर शाहीन बाग पे है। शाहीन बाग को पूरे चुनाव का एक तरह से केंद्र कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार शाहीन बाग का नाम अपने चुनाव प्रचार में लिया था, लेकिन जब कल जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मानतुल्लाह खान हैं, उन्होंने यहाँ बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है। शाहीन बाग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ब्रह्म सिंह को, कांग्रेस के कैंडिडेट परवेज हाशमी को, दोनों को ही नकार दिया और कहा है कि हम विकास की राजनीति के लिए वोट करेंगे। यहाँ पे शाहीन बाग के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया था, क्या सोच के वोट किया था और ये जो नतीजे आए हैं वो उनको कैसे देखते हैं। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने यहाँ से चुनाव जीता है, आप क्या कहना चाहेंगे, शाहीन बाग इस जीत को कैसे देखता है? देखिए, शाहीनबाग इस जीत को ऐसे देखता है कि ये जीत विकास की है, ये बेसिक मुद्दों की जीत है। ये राजनीति नहीं, एक वो गंदी सियासत है, जिस तरह से आपस में, मतलब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, हिंदुस्तान की राजधानी ने ये दिखा दिया। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो लास्ट 2-4 वीक्स से उन्होंने शाहीनबाग को अपना एजेंडा बना के पेश किया। केजरीवाल के नाम को ना सिर्फ बदनाम कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रखा है हम लोग को बैठने में, अच्छा नहीं लग रहा हम लोग यहाँ पर बैठने में। शाहीन बाग को लेकर के जो गंदी राजनीति करते हैं और इस चीज़ को हमारे प्रोटेस्ट से जोड़ते हैं। हमारा वोट करना फंडामेंटल राइट है और हमारा प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज़ है। हम प्रोटेस्ट अपने राइट के लिए कर रहे हैं और हम जो वोट डालते हैं वो हमारा अलग मुद्दा है। जो दूसरी गवर्नमेंट हमारे प्रोटेस्ट को अपना मुद्दा बना के लड़ रही थी, उसको पता है आज क्या है। और नाउ केजरीवाल, लोग ये कहते हैं कि हम लोग केजरीवाल का फेवर करते हैं, हम बस उस गवर्नमेंट का फेवर करते हैं जो हमारे लिए काम करती है। उस गवर्नमेंट ने अपने काम के ऊपर मुद्दा उठाया है, इसलिए वो गवर्नमेंट जीती है। कौन जीता कौन हारा, उसका शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस भी अपने आप को बार बार सेक्युलर कहती है, लेकिन यहाँ के जो ओखला की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया, कांग्रेस पर नहीं। इसका कारण आप क्या समझते हैं? 2013 में जब इलेक्शन यहाँ हुआ था तो कांग्रेस को यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है, अब शाहीन बाग की ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उसके बाद जो एक अन्ना हजारे का एक आंदोलन चला और आम आदमी पार्टी उभर कर आई 2015 में जो एक इलेक्शन हुआ, तो ना सिर्फ शाहीन बाग की बल्कि पूरे दिल्ली के लोगों ने एक आम आदमी पार्टी में एक नई उम्मीद देखी। अब बार बार जिस तरह से कहा जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही शाहीन बाग के लोग उठ जाएंगे, और कल ट्विटर पे एक तस्वीर भी वायरल की गई जिसमें शाहीन बाग के सफाई होने के वक्त की वो तस्वीर दिखाई गई और कहा गया लोग उठ गए, क्या कहना चाहेंगे? अब जो बैठे हैं तो इंशाल्लाह ऐसे तो उठेंगे नहीं, इतनी मेहनत की है, जान माल सब कुछ लगाया है, तो कैसे उठ जाएंगे? एक नागरिक के तौर पर क्या सोचती हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ही हमेशा फोकस रहना चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं जितना हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ उतना मैं इस्लाम से भी मोहब्बत करता हूँ। इस्लाम मेरा दीन है, हिंदुस्तान मेरी जान है, ना मैं दीन छोड़ूंगा ना मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।